बिना रिज्यूम के इंटरव्यू देने चला गया। ओ माय गॉड भाई, बट छापा देखा भाई का कैसा टोरा गया। कहती सर आप सीधे अंदर आ जाओ। मैंने कहा मैम मेट्रो स्टेशन पे भी मैं बैठा हूँ। मेरा एक फ्रेंड आ रहा है अभी, आज हम जा रहे हैं नोएडा। सबसे पहले तो आपको बता दूँ नोएडा में एक अपना ऑडिशन है एंड एक मेरा फ्रेंड है एम के राणा, जिसको आपको पहले वीडियोज में मिला चुका हूँ, वो भी साथ रहने वाले हैं मेरे। एकदम सडनली उसका प्लान बना, मेट्रो आगे तो शोर आएगा सो, बट इसमें मैं नहीं चढ़ूंगा, दूसरे वाले में चढ़ूंगा कि इस पर आ जाएगा, जिस पर आएगा उसी के अंदर चढ़ जाएंगे। तो बने रहे मेरी वीडियो में एंड स्टे ट्यून। बड़े ही अजीब हैं ये ज़िंदगी के रास्ते, बड़े ही अजीब हैं ये ज़िंदगी के रास्ते। अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, मिलने की खुशी दे या ना दे, मगर बिछड़ने का गम ज़रूर दे जाते हैं। हम लोग मेट्रो में शूट नहीं कर पाए थे, बट अब आपको मैं एक प्यारे मित्र से मिलवाने वाला हूँ। एम के राणा सर, हाउ आर यू? Yes, I'm good. और दोस्तों हम जा रहे हैं देवव्रत के इंटरव्यू के लिए। किस चीज का? मैंने पब्लिक को नहीं बताया, बताओ आप अपने दिल से बताओ। देवव्रत एक आईटी कंपनी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिसमें देवव्रत इंटरव्यू देने जा रहा है विदाउट रिज्यूम के। हाँ, और हमने बहुत अच्छी बकचोदी का प्लान किया है। इसके पास रिज्यूम है ना, इसके पास कुछ कोई सर्टिफिकेट आईडी प्रूफ है, बस ये ठन ठन गोपाल हो गए चलाओ। भैया रिक्शे वाले को भी लो। रिक्शे वाले भैया हमारे कैसे हो भैया? इधर आओ कैमरे में, क्या हाल है? मैं देखो उनका सामने से वो आया था, सर आपके जैसा बड़ा एम्प्लॉय चाहिए। एम्प्लॉय क्या मतलब, फोर्स कर रहे हैं। मैंने कहा चलो यार एक बार, मेरे को तो भाई जॉब पर कुछ देना, मेरे को क्राउड देखना, क्राउड अच्छा लगेगा सर, घर नहीं जाना। चलो दोस्तों, गौरव भाई कुछ कर रहे हैं। चलो दोस्तों, चलो चले इसको पेड़ से बाहर निकाला जाए। सो गाइस ये मंडी हाउस की आदत हो गई लाइन बोल के, बाकी मिलते हैं सीधा वहाँ पे पहुँच के स्ट्रेट यून। अभी व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए थे बीच में, क्योंकि मैं आपको बताऊं अपना इंटरव्यू हो गया। भाई मंदीप भाई ये तो कंपनी में खरीद दे रहा हूं फिर। हां, आई एम वेरी मच एंग्री ऑन देवव्रत बिकॉज़ ही वेस्टेड आवर ऑल प्रीशियस टाइम। ऐसी की तैसी कंपनी थी, कुछ नहीं था। अब ओरिजिनल रिव्यू दे रहा हूं, निकल गया उसी गली से। देखो अभी तो मेरे को साले ने मेरे से पूछा कंपनी का नाम, के नाम ही नहीं पता। कंपनी का नाम नहीं पता, बिना रिज्यूम के इंटरव्यू देने चला गया। ओ माय गॉड भाई, बट छापा देखा भाई का कैसा टोरा गया। कहती सर आप सीधे अंदर आ जाओ। मैंने कहा मैम, बाकी आपको बताना चाहूंगा ये भाई बड़ा लंबा रास्ता है मेट्रो स्टेशन का, अब बिना बकारे मिल जाएगा। बट जो भी भाई कंपनी का नाम पूछा, मैं नाम ही नहीं आता था मुझे। अरे ना ना ना, कुछ ना था ऐसा। एक जिसने मुझे जो एचआर थी ना, उसने मुझे अपॉइंटमेंट में उसका कॉल आया था, मेरे को उसका नाम ही गलत से निहारिका बोले, उसने नगमा नाम था, मैंने निहारिका समझ लिया। जो आज अपने ड्रीम्स में घूम रहा हूँ। बाकी एक बात बताना चाह रहा हूँ, इस कंपनी को मैंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये कंपनी मेरे में बहुत इंटरेस्टेड है। तो भाई आपने वहाँ के स्टाफ को देख लिया, पता नहीं गलत तो नहीं था वो जितना इंटरेस्टेड। Very difficult to get a job in Noida. Noida. Because Delhi में ना, अरे ये तो work from home था। Noida क्या है? नहीं मैं Noida में ना vacancies निकलती रहती है, call center में भी। भाई से पूछ रहा मेट्रो का है? पर दिल्ली में इतना आसानी। भाई से पूछ मेट्रो का है? तो मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ हमारा गन्ने का जूस बनता हुआ, आप देख सकते हैं प्रॉपर। मैंने 20 वाला ग्लास लिया, रिशन रसन मंदीप भाई ने 10 का ग्लास लिया। एंड ये सड़क थी जहाँ पे मैं आया था, ये रहा अपना मेट्रो स्टेशन, आप देख सकते हैं यहाँ से अभी एंट्री है। एंड एम के राणा हाउ आर यू? यार इतना परफ्यूम लगाया था, वो सारा यहाँ के धुएं पोल्यूशन में सब परफ्यूम निकल गया। यार भाई बट जो भी बोलो, आज का फन आया है, जो भी है फर्स्ट टाइम था लाइफ में अपना, बट अच्छा लगा यार। जैसे दिखा अच्छा लगा, मैं बट इस कंपनी को अपने लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं बहुत ऊँचा हूँ, मेरे लिए बनी नहीं यार ऐसी कंपनी कोई ना। अभी गन्ने के जूस के साथ मिलता है उसको, गन्ने का जूस आ चुका सर, कैसा लग रहा है? Cheers, 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 cheers. बड़ा स्वाद है, पीर के बताऊंगा भाई, अंत लेवल का टेस्ट है। मैं तो उसके बाद एक और ग्लास लेने वाला हूँ सर, एक ग्लास और बनवाते हैं भाई। बाकी अब आपको सीधा या तो मेट्रो स्टेशन पे मिलेंगे। मास्क पहन चुके हैं, रीजन ये है कि अभी हम लोग मेट्रो में आ चुके हैं, वी आर इन मेट्रो। एंड सीन कुछ ऐसा, अभी तुम्हारे मैंने 3 ग्लास पी लिए उसके गन्ने के रस के, गन्ने के जूस के, और अब इसका ऑडिशन देने का मन नहीं कर रहा है। हाल सारा नींद आ रही है भाई, करने क्या आयो। प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, बस मंदीप भाई सही रास्ते से पहुँचा दे। मंदीप एम के राणा, तुम्हें तुम्हारे
एक्टिंग स्किल्स की कसम है, तुम्हें हमें सीधा सही लोकेशन पर पहुंचाना है कि आज का जो व्लॉग है ना उस पर तो मैं आज जहाँ पे भी उस पर तो मैं सेपरेट एक बेस्ती मारने वाला व्लॉग बना सकता हूँ पूरा का पूरा। भाई इतना घटिया एक्सपीरियंस था कुछ वो सब तेरी वजह से, सर ऐसे कहीं रिक्रूटमेंट के पास ले गया वहाँ पे जॉब के लिए। अरे मेरे को थोड़ी पता था, मैंने कहा नया एक्सपीरियंस लेकर देख लेते हैं, पैसे मिलते नहीं, मैंने कहा कुछ पार्ट टाइम कमा देंगे तुम्हारा भाई तुम्हें मिलेंगे तेरे को पैसे। तो गाइस वो मेरे कैपेबल ही नहीं है ऐसे कैसे ऐसे कर रहा है बिना फोटो बिना सब कुछ कुछ नहीं लिखे गया फिर भी कहते सर आओ बैठो चाय लोगे कॉफी लोगे नहीं, मैंने कहा मना कर दिया, मैंने कहा आई एम ऑन डाइट, तो कहते सर गन्ने का रस मंगवा देना, मैंने कहा नो बाहर आके तीन ग्लास पी लिए। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नोएडा फिल्म सिटी के आसपास, अपना ऑडिशन है। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। की बताना चाहेंगे मजा आ रहा है फुल सेक्टर 3063 में आए कोई ऑडिशन 3063 भाई होश में नहीं पूरी रात नहीं सोया पिछले 24 घंटे से जाग रहा हूं चढ़ा के गया रात को जो कि विस्की हां सारी सब कुछ पी रखा मैंने सब कुछ सारे नशे पीछे सब कर रखे हैं सब नशे पी रखे हैं पी रखे हैं अब बोलते हुए नशे में देख रहा हूं ना हां यस मैं हूं नशे में आई एम नशेड़ी और देखो इसे कैसे घोस्ट राइडर जैसे बने हुए तुम्हारा भाई यूएस का डोनाल्ड ट्रंप है। सो आई वांट टू टेल यू दैट कि आई एम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। गाइस अभी हम ना मेट्रो से नीचे उतर रहे हैं, बड़ी चढ़ाई है, बड़ी मतलब चढ़ाई नहीं उतरवाई खड़ी उतरवाई है। हाँ जो भी है सर क्या कह रहे थे आप मेरे बारे में क्या कह रहा था अभी कुछ बोल रहा तारीफ कर रहे थे चलो फिलहाल मुझे कुछ इसके रिगार्डिंग पता नहीं है तो नो कमेंट्स इस बात पे। बाकी गाइस बताना चाहूँगा अब हम अपना ऑडिशन प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, अगर पहुँच के टाइम से तो दिखा देंगे। अरे भाई बहुत धूप हो रही है करारी, मैं यहाँ पे पीछे देख सकता हूँ प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक सिटी एजेंसी भी है ये, बाकी यहाँ पे कोई अनुंदा डेयरी उधर जाने है। गाइस सीन अभी कुछ ऐसा, हमें यहाँ पे अपना ऑडिशन देने आया, बोल नहीं सकता प्रॉपर ऑडिशन रूम है, वहाँ पे एम के राणा को देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती जो कि बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहा हूँ मैं। बाकी अभी हम एक काम करेंगे ऑडिशन देख के सीधा आपको बाहर मिलेंगे। सो गाइस अभी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, गर्मी में इतनी गर्मी लग रही है, मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं, अभी यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। सो गाइस बाकी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई होगी, होप करूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपको मिलेंगे हम ऐसे किसी नई वीडियो में, अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाकी तो ये सब चंगा है, अपना ध्यान रखना, डायलॉग भी वगैरह बाकी तो ये सब चंगा है, होप करूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, बाकी तो ये सब चंगा है, ड्रॉप रखा, बाय बाय।